हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आसूस के एक ऐसे लैपटॉप के बारे में जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, जिसका स्क्रीन साइज 17 इंच है, जो कि एक जबरदस्त वर्क स्टेशन साबित होने वाला है। अगर आपका स्टूडियो है या फिर आप एक क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग्स वगैरह करते हैं, तो सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त परफेक्ट सेट होने वाला ये लैपटॉप है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आप इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमेशा अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यहां पर जो लैपटॉप है वो है Asus का स्टूडियो बुक SW700G3P, 17 इंच का ये लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर है ये स्टूडियो बुक SW700G3P। तो इस मॉडल से ये आएगा, ये जस्ट लॉन्च हो चुका है, बहुत ही जबरदस्त लैपटॉप है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि दिखता कैसा है, उसके बाद जो हम इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो जस्ट फर्स्ट लुक जो इसका है वो इस टाइप का दिखेगा। 17 इंच स्क्रीन साइज है। इसको और एंगल से देखेंगे आप तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही स्लिम भी है और एज टू एज भी है, तो इस वजह से काफी खूबसूरत ये लुक भी देता है। और उसके बाद जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये सीधा हो जाएगा। और उसके बाद जो है इस तरीके से दूसरी साइड से आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मॉडल है, और ये आपके लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है। और उसके बाद जो है आप ये देख सकते हैं इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि जबरदस्त ग्राफिक के साथ ये आ रहा है, तो ग्राफिक का सीपीयू और लैपटॉप का सीपीयू यानी कि दो सीपीयू इसके अंदर होगा। दोनों के लिए ही कूलिंग सिस्टम बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर दिया हुआ है, यानी कि चार तरफ से दो, बैक साइड से दो, दोनों साइड से जो है इसका हीट एयर निकलने के लिए स्पेस दिया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त कूलिंग सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल ही जबरदस्त वर्किंग के लिए है, बिल्कुल एक जबरदस्त वर्क स्टेशन है। इसलिए इसमें जो है सभी तरीके से जो है एक परफेक्ट जो है बनाया हुआ है, ताकि प्रॉपर तरीके से 24 Hz जो है वर्किंग में रह सके। उसके बाद जो है तो बाकी जो आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, एक तरफ मिलेगा आपको 3.1 जनरेशन 2 वाला USB पोर्ट मिलेगा, और जो दूसरी तरफ मिलेगा फर्स्ट में आप देख सकते हैं SD 4.0 कार्ड रीडर मिलेगा। उसके बाद जो है कॉम्बो ऑडियो जैक मिलता है, जिसके अंदर जो है ऑडियो एंड माइक दोनों का ही कॉम्बो जैक होता है। और उसके बाद जो है एक और मिल जाता है इधर आपको USB 3.0 जनरेशन सेकेंड का USB, और उसके बाद इसके अंदर मिल जाता है आपको HDMI 2.0 मिल जाता है, और USB-C टाइप का जो है थंडरबोल्ट 3 इसके अंदर मिल जाता है। एक जबरदस्त कनेक्टिविटी है आपके लिए, जो कि आप देख सकते हैं, जबरदस्त जो है ये लैपटॉप आपके लिए हो सकता है। और उसके बाद जो है हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर मिल जा रहा है। उसके लिए हम ऑनलाइन चलते हैं, तो यहां पर जो है आप यहां पर देख सकते हैं, हम आसूस के साइट पर ही देख रहे हैं ताकि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है रॉन्ग ना हो सके। तो इसके अंदर जो आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा विंडोज 10 प्रो के साथ में ये आएगा, यानी कि एक जबरदस्त विंडोज 10 का जो है वर्जन के साथ में ये आपको मिलेगा। प्रोसेसर जो है दो टाइप के प्रोसेसर मिल सकते हैं, बट इंडिया के अंदर जो मिलेगा वो हमें मिलेगा i7 का 8750H प्रोसेसर इसके अंदर मिलेगा, 2.2 GHz का हेक्सा कोर जो है प्रोसेसर है ये, और टर्बो बूस्ट करने के बाद 4.1 GHz तक इसको लेकर के जा सकते हैं। 9 MB कैच मेमोरी है इसके अंदर। ग्राफिक जो है इसके अंदर मिलेगा आपको NVIDIA का क्वाड्रो P3200 ग्राफिक मिलेगा, 6 GB DDR5 VRAM के साथ में ये आ सकता है, यानी कि यहां तक को ये सपोर्ट करेगा। ये अलग अलग वेरिएंट में आ सकता है, प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे आता है जब मार्केट में बिल्कुल आएगा तब देखा जाएगा, बट ये बिल्कुल अपकमिंग में है, आ चुका है बट अभी Amazon वगैरह पर अवेलेबल नहीं है। जब बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा तो फिर दूसरी वीडियो इसके बारे में आपको मिलेगी। तो ये बिल्कुल अपकमिंग वीडियो है, बिल्कुल लॉन्च हो चुका है, जबरदस्त लैपटॉप। यहां पर आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं, 17 इंच LED backlight FHD, यानी कि 1920x1200 रेजोल्यूशन है इसका। नैनोवेज डिस्प्ले है, यानी कि बिल्कुल एज टू एज है, और 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है इसके अंदर। एंटी ग्लेयर पैनल है, 5.3 mm
थिन वेजल, यानी कि जो साइड में जो वेजल है इसका मात्र उसकी जो चौड़ाई है 5.3 mm है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि 17 इंच होने के बावजूद भी जो फिजिकली जो एक नॉर्मल 15 इंच का जो लैपटॉप होता है उसी के साइज में फिजिकली ये दिखेगा लगभग लगभग, यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर आएगा वो लगभग लगभग 15 इंच का जो नॉर्मल लैपटॉप होता है उसी के साइज के आसपास आएगा। रीजन उसका यही हो रहा है कि इसका जो ब्रेजल है वो बहुत ही कम है, 5.3 mm है, तो इस वजह से जो है ये बॉडी वाइज जो है 15 इंच के आसपास ही दिखेगा, बट स्क्रीन साइज आपको एक जबरदस्त 17 इंच के अंदर मिल जा रही है, जिस पर आप जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग्स वगैरह, वीडियो मिक्सिंग वगैरह, एडिटिंग्स वगैरह आप जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप कर पाते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर जो मेमोरी है वो अप टू 64 GB DDR4 2666 MHz तक जो है ये सपोर्ट करेगा। तो ये अलग अलग वेरिएंट में आएगा, देखेंगे कौन सा किस रेंज में आता है उसके हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बाय किया जा सकता है। स्टोरेज जो है इसके अंदर अप टू 4 TB तक आप इसको लेकर के जा सकते हैं, और NVMe जनरेशन 3 वाला जो है इसके अंदर SSD लगेगी, 4 SSD लग सकती है, उसको सपोर्ट कर लेगा ये, तो उसके हिसाब से आप जो है इसको बाय करेंगे, किस हिसाब से अलग अलग मॉडल्स इसके आएंगे। इंटरफेस इसके अंदर जो हमने पहले ही बता चुके हैं कौन कौन सा इंटरफेस था इसके अंदर, कीबोर्ड एंड टचपैड जो है फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड है इसके साथ में, और विथ 1.4 mm की ट्रेवल एंड प्राइवेसी हॉटकी के साथ में ये आएगा, फिंगरप्रिंट भी है इसके साथ में, और विथ विंडोज हेलो सपोर्ट के साथ में ये मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जबरदस्त ऑडियो के साथ में कैमरा जो है HD वेब कैम के साथ में आएगा, वायरलेस इसका जो है वाईफाई कनेक्टिविटी जो होगी ड्यूअल बैंड 2x2 वाईफाई 6 के साथ में आएगा, ब्लूटूथ 5.0 के साथ में ये आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन भी एक जबरदस्त इसका लग रहा है। बैटरी एंड पावर पे देखा जाए तो 57Wh 3 सेल लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ में आएगा, 180 वाट का पावर है इसके साथ में। इसका वेट अगर देखा जाए तो इसका वेट एंड हाइट सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट इसका 1.84 सेंटीमीटर है, विड्थ इसका 38.2 सेंटीमीटर है, डेप्थ इसका जो है 28.6 सेंटीमीटर है, वेट इसका 2.39 यानी कि करीब करीब जो है 2.4 केजी के आसपास ये आएगा, करीब अगर नियर अबाउट देखा जाए तो 2.5 किलो के आसपास का इसका वेट होगा। तो चूंकि 17 इंच में है तो वेट कोई बहुत ज्यादा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त लैपटॉप होने वाला है, ग्राफिक के साथ में ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, एक जबरदस्त लैपटॉप हो सकता है, मेरा बहुत ही जबरदस्त है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है प्लस जो साइज है मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। मेरा जो नेक्स्ट लैपटॉप अगर लेना हुआ तो मैं इसी को बाय करूंगा, क्योंकि स्क्रीन साइज के हिसाब से अगर ओवरऑल देखा जाए तो साइज कम है बट स्क्रीन साइज आपको बहुत ही जबरदस्त मिल पा रहा है। तो देखते हैं कब ये मार्केट में आता है, कब अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे आता है। फ्लिपकार्ट पे आया था बट इस टाइम में कुछ दिनों से बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, और अगर ये आता है तो आइडिया ये है कि 1,10,000 से इसका स्टार्टिंग हो सकता है। तो देखते हैं कम से कम प्राइस में हमको क्या कन्फिग्रेशन मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और आपको ये लैपटॉप कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, और अगर आप एक बेस्ट यूट्यूबर बनना चाहते हैं और ऑनलाइन पैसा अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल स्मार्ट सोच को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बने रहिए, उस पर एक से एक वीडियो इस टाइप की आ रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो अब तक इतना ही, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।